तो दोस्तों मैं यहां पर मौजूद हूं जनकपुर धाम में, और जनकपुर धाम में आया हूं। तो अगर आप इस धाम में आए, अगर आपको लगे कि रहना कहां है, सस्ता में रहने का जुगाड़ कहां पे है, तो मैं आप लोगों के लिए जुगाड़ लेके आया हूं। दोस्तों ये है गंगा सागर धर्मशाला। ठीक ये आपका जो गंगा सागर जो तालाब है, यहाँ इसके ठीक किनारे ये है, और इसके अलावा भी उस साइड आपका गोपाल धर्मशाला है। और इस जगह पे जो होती है दोस्तों, ये गंगा आरती के लिए बनी हुई है, काफ़ी बेहतरीन गंगा आरती होती है यहाँ पे। जो शाम का नज़ारा है वो देखने लायक होता है। अगर आप आए, अगर आपको सस्ता में रहने का जुगाड़ चाहिए तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। हालांकि रूम का एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अब 100 या 90-80 रुपये में आपको क्या ही मिल सकता है। तो अगर आप आए, अगर चीप एंड बेस्ट में जो जगह है रहने के लिए, ये जगह बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से जो मंदिर है जानकी मंदिर, उसकी जो दूरी है वो वॉकिंग डिस्टेंस में 4 या 5 मिनट की है। तो दोस्तों मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो अभी मैं जहाँ ठहरा हूँ वहाँ से आप नज़ारा देख लीजिए, कितना शानदार नज़ारा है। और यहाँ पर बस रहने का कॉस्ट है एक व्यक्ति पे 100 रुपया। देखिए कितना शानदार नज़ारा है। और यहाँ पर जो है गंगा आरती होती है, इस जगह को जो बोलते हैं, अगर आप जनकपुर स्टेशन में उतरेंगे तो वहाँ पे आपको आपको बोलना पड़ेगा शिव चौक। तो शिव चौक के किनारे ये है गंगा सागर धर्मशाला।